मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हूँ आपसे बातें करती हूँ। बहुत अच्छे होंगे, अभी बहुत अच्छे हैं। तो संडे मॉर्निंग हो चुकी है, मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो आप देख ही सकती हैं। और साथ साथ मैं जो भी सुबह के काम थे वो हो चुके हैं, तो अब उसमें ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि सिर वॉश करके फिर ही जाऊँगी, क्योंकि वरना सिर पर ही बहुत भारी लगता है फिर, तो इसलिए सिर को पोंछ के उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलती तो बने व्लॉग में, कहीं मत जाइएगा, बहुत है कुछ खास। आज ब्रेकफास्ट में बनी है चने के परांठे और साथ में चाय, दोनों मेरे फेवरेट है, आप भी ज्वाइन कीजिए। घर के अंदर से मिलते लंच टाइम हो गया था, आज लंच बने पुलाव, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। खाने के अंदर से मिलते सारे काम तो हो चुके हैं, आज सारे काम ना लेट हो गए थे, क्योंकि संडे का दिन होता है तो लेट हो ही जाता है। तो मैंने रील्स और शॉर्ट्स बना लिए, तो आप जरूर देख लीजिएगा, और ब्लॉग भी जिन्होंने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, डांस सारे सारे ब्लॉग। तो आज कल आप देख लीजिए, जो नहीं देख रहे तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए, क्योंकि आपका स्पॉट ही हमें आगे तक निकल जाएगा, तो प्लीज़ देखिए। अंधेरा भी उन्हें लग रहा है, और अभी आज फ़ोटो भी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, लग रहा है क्लियर नहीं है, लेकिन मैं लाइट लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा क्या लाइट लगानी, तो आपसे ऐसी बात करनी जाए, तो बस यही बात कह रही थी। आगे की जो भी अपडेट होगी तो आपको बताती रहूँगी, तो बने ब्लॉग में। आज मतलब इस बारी आप हमारी YouTube फैमिली के साथ हमारी और आपकी फर्स्ट होली आ रही है, तो बहुत मज़ेदार होने वाली है। हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपको पता चलेगा, हम जो क्लिप में डालेंगे तो आप देखोगे तो आपको सब पता चलेगा हम कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं। और इस बारी आप भी हो हमारे साथ तो और भी अच्छा होएगा। तो जो भी हम करते हैं मतलब खाने से लेके जैसे हम गुजिया बनाते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या बनाते हैं और कैसे कैसे होली मतलब सेलिब्रेट करते हैं, आपको सब दिखाएंगे। आप वो आपको क्लिप में पता चलेगा, आप पूरा देखोगे ब्लॉग तभी आपको पता चलेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइट हूँ होली के लिए, तो आप भी होंगे, आप भी अपने पूरी फैमिली के साथ मनाते होंगे होली। तो हमारी होली तो जैसी भी होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। इस होलियों के चक्कर में ना आजकल बड़ा बस चल चल के बड़े बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, ऐसे सड़कों पे ना लोग बैलून्स मारते, बैलून्स तो छोड़ो कुछ भी नहीं छोड़ते, थैली में पानी भर के डालने लग जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन वो माने तो है नहीं, होली है तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो मुझे इन सबसे याद आया कि चाइल्डहुड के समय हम तो सिर्फ बस होली वाले दिन ही करते थे, ऐसे जैसे गुब्बारे वो भी तब उन पे मारते थे, जो होली जो भांग पी कर निकलते थे ना उन्हीं होली के ऊपर मारते थे, लेकिन आजकल के लोग तो किसी भी मार देते हैं, ये बहुत गलत है, दिस इज बहुत रॉन्ग बात है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समझते कहाँ हैं, छोटे से छोटे बड़े भी आजकल शामिल होते हैं उनमें, ये होली पे सबसे बहुत बेकार होता है। लेकिन जिस दिन होली होती है उस दिन तो बात समझ आती है, जो होली से पहले और उस दिन हम तो बैलून से ही करते थे, बैलून मार के, और हम आपस में भी होली खेलते थे, तो मुझे वो भी याद आ रही है। होली तो फिर मम्मा कहती थी चलो चलो जल्दी कपड़े बदलो सर्दी लग जाएगी, लेकिन हमें तो होली में मज़ा आता था कि खेली जाओ खेली जाओ खेली जाओ, हमें ध्यान नहीं होता था कि हमें कपड़े भी, और फिर पता है ना तो कि हो सर्दी में आधी सर्दी आधी गर्मी में, अभी तो गर्मी स्टार्ट होती है, तो इसलिए होली में खेलना मुझे तो ऐसे इतनी होली बहुत अच्छी नहीं लगती, मेरे और भी फेस्टिवल्स हैं मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन होली फिर भी अच्छी ही है। तो इस बार तो होली आप सबके साथ होगी तो कुछ खास ही होगी, तो मुझे आपको देखने में पता चले। बात याद आई है, हमारे ना वहाँ पे जहाँ बैठे थे ना, वहाँ हमारे बहुत ही पक्के वाले नेबर बन गए थे, तो वो ना एक दिन हम नहा धो के बैठे थे, उस दिन होली थी संडे की बात थी, तो एकदम सिर भी धोया हुआ था सब कुछ, नए कपड़े पहन के नई चादर बिछा बिछो के बैठे थे हम, उस दिन वो आए और एकदम से हमें पता भी नहीं चला, ध्वजा खोलते सार रंग पानी सब कुछ फेंक दिया, और हम घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, तो हमारी तो बस चीखे ही उठ गई ये, हमने तो मतलब एकदम से कोई ना मतलब वो करे होली सेलिब्रेट करे तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, तो इसलिए हम बड़े वो हो गए चौंक ही गए एकदम से, फिर हमने भी होली खेली, फिर बस यही होता गया होली 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 सेलिब्रेट होती गई। तो
नहीं, बिना एकदम से पता चले तो वो अजीब सा ही लगता है। फिर हमने पकवान शकवान खाए, है ना बिन्नी? क्या? हाँ बताइए। ये तो इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी, कहती और पानी और रंग और पानी और रंग कुछ भी। और राज चंद्र का बेड़ा गर्क हो गया, इसको पानी रंग की पड़ी है। याद आई कि जब स्कूल टाइम में हम जो पढ़ते थे, मेरी बहन ना स्कूल के पेपर से हम दोनों ही आ रहे थे, मम्मा और मेरे को तो थोड़ा सी लगी थैली, इतनी उतनी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली थैली भरी हुई थी, उसने पानी इतना सारा और मेरी बहन के पीठ पे इतनी जोर की लगा, उसका सारा लाल लाल हो गया, उसके हाथ पैर यहाँ पे पूरा बहुत पेन हुआ था उसको। कोई लोग देखते नहीं है कि कैसे भी कुछ भी मार देते हैं। उस समय फिर हमें जा रहा था, अर्जेंट होता था कि पेपर से आ रहे हैं, कितना बच बचाए फिर भी लग ही जाते हैं, लोग तो मानेंगे नहीं, बुरा ना मानो होली है ये वाला वो होता है, लेकिन फिर भी हम तो ये सब नहीं करते, हम ध्यान से मतलब होली वाले दिन ही होली खेलते हैं, और उस दिन ही होली खेलनी चाहिए, वैसे भी एक दिन पहले वो दहन होता है, फिर होली वो जो होती है मनाई जाती है। कई लोग मनाते हैं ना होली जरा मतलब एक दिन पहले भी करते हैं, लेकिन हम तो नहीं करते हैं, लेकिन होली तो सेलिब्रेट करेंगे, जो भी आप देख ही रहोगे, तो आपकी जो भी अपडेट होगी आपको बताती होगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। दिन हमारा हो चुका है, अब बारी आई है ब्लॉग की एंड की। तो गाइस उससे पहले जिन्होंने मेरे ब्लॉग नहीं देखा, पुराने ब्लॉग देखिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे तक देखे जाएगा, बाबा जी की ब्लेसिंग आपका सपोर्ट हमें आगे तक देखे जाएगा, तो प्लीज़ 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 देखिए, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे ब्लॉग लाइक करें तो सारे देखिए, शॉर्ट्स भी देखिए, रील्स भी बनाती हूँ, सब मेरे नाम है इंद्रजीत कौर, इंद्रजीत कौर के आप सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और शॉर्ट्स भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रील्स भी देखिए, ब्लॉग्स भी देखिए, जो कुछ भी पूछना होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर को कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे ब्लॉग को, और आने वाले ब्लॉग कुछ कुछ खास होंगे उन्हें भी देखिएगा, और ये वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगी इसे भी देखिएगा, इसी तरह से ब्लॉग का एंड होता है, बाय।